नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल में टू टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस। संसद में एक बार फिर नींद लेते दिखे राहुल गांधी। कांग्रेस के वॉकआउट से पहले तक सोते रहे राहुल। युवराज के बचाव में उतरी कांग्रेस। राज्यसभा में यूपी बीजेपी उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह पर बरसी मायावती। बोली अपने अपशब्द मुझे नहीं अपनी बहन बेटी को कहा। अरुण जेटली ने बयान पर जताया खेद। कश्मीर हिंसा पर बोले रिजिजू, हाफिज के बयानों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। आतंकियों को मिल रहे निर्देश की जानकारी गृह मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों के पास। बिहार में आईएएस जितेंद्र गुप्ता हुए सस्पेंड। सीएम नीतीश ने सस्पेंशन पर लगाई मुहर। घूस लेते रंगे हाथ हुए थे गिरफ्तार। आईएएस एसोसिएशन ने गिरफ्तारी का किया था विरोध। और पत्नी बेटी के अंतिम संस्कार के लिए आईएएस बंसल को 2 दिनों की सशर्त जमानत। पत्नी और बेटी ने की थी सुसाई। 9 लाख रिश्वत लेते पकड़े गए थे बंसल। ऊना दलित हिंसा मामले को लेकर बुधवार को जब पूरा संसद हंगामा और शोर में मशगूल था, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सदन में नींद की आगोश में थे। यही नहीं, नींद उन पर इस कदर हावी था कि कांग्रेस के सदन के वॉकआउट को भी वे मिस करने वाले थे। वो तो भला हुआ उन सांसदों का जिन्होंने समय रहते राहुल गांधी को बाहर चलने के लिए कहा। दरअसल ये पूरा माजरा तब का है जब गृह मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा में ऊना हिंसा पर बयान दे रहे थे। इस दौरान सदन में जमकर हंगामा भी हो रहा था, लेकिन तभी राहुल गांधी को अपनी सीट पर सोते हुए देखा गया। चंद मिनटों की नींद के बाद जब वे जगे तो अपने मोबाइल फोन में व्यस्त हो गए। वे किसी को मैसेज कर रहे थे। दूसरी ओर कांग्रेस अपने युवराज के बचाव में उतर आई है। पार्टी के दिग्गज नेता रेणुका चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी सो नहीं रहे थे बल्कि कुछ सोच रहे थे। बीजेपी नेता के बिगड़े बोल पर सदन में हंगामा हुआ। मायावती ने मामले पर सदन में कहा, आपने अपशब्द मुझे नहीं अपनी बहन बेटी को कहा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बयान पर खेद जताया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के बीजेपी उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने बीएसपी प्रमुख मायावती के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया। बीजेपी नेता ने टिकट बिक्री मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मायावती जिस तरह से मोल भाव कर रही है, इस तरह एक वैश्या भी अपने पेशे को लेकर नहीं करती। दयाशंकर सिंह ने मऊ में ये विवादित बयान दिया। दरअसल बीएसपी प्रमुख मायावती पर विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट बिक्री का लगातार आरोप लग रहे हैं। इस पर मायावती ने कहा कि बीजेपी नेता यूपी में पार्टी की पकड़ ढीली होने से बौखला गए हैं। इस तरह का बयान हताशा का परिचय है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि हाफिज सईद के बयान को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में घुसे आतंकियों को कहां से निर्देश मिल रहे थे, इस बात की जानकारी गृह मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों के पास है। रिजिजू ने कहा, काला दिवस मनाकर पाकिस्तान अपने आप को एक्सपोज कर रहा है। इससे साबित होता है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में जो आतंकी गतिविधियां चल रही है उसमें शामिल है। कश्मीर में भड़की हिंसा और पाकिस्तान के रवैये पर कार्रवाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार हर तरह से मजबूत कदम उठा रही है, जो भी कार्रवाई करनी है वह की जा रही है। रिश्वतखोरी में रंगे हाथ पकड़े गए सीनियर आईएएस बीके बंसल को बुधवार को 2 दिनों की सशर्त जमानत मिली है। सीबीआई की गिरफ्त में आए कॉरपोरेट मामलों के महानिदेशक बीके बंसल को पत्नी और बेटी की अंतिम संस्कार के लिए जमानत हुई है। बंसल ने अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत की अपील की थी। शनिवार को 9 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए बंसल की पत्नी और बेटी ने मंगलवार को आत्महत्या कर ली थी। दोनों ने पूर्वी दिल्ली स्थित अपने घर में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। बिहार सरकार ने आईएएस अधिकारी जितेंद्र गुप्ता को आज निलंबित कर दिया है। रिश्वत लेने के आरोप में बीते 12 जुलाई को गिरफ्तार मोहनियों में एसडीओ जितेंद्र गुप्ता के निलंबन के फैसले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुहर लगा दी है। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया। जितेंद्र गुप्ता फिलहाल निगरानी के ट्रैप केस में जेल में बंद है। उनको निगरानी की टीम ने मोहनिया से घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। जितेंद्र मोहनिया से एसडीओ के पद पर तैनात थे। वे 2013 बैच के आईएएस अधिकारी है। जितेंद्र गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद निगरानी की टीम ने उनके घर और दफ्तर की भी तलाशी ली थी। मालूम हो कि
केंद्र की गिरफ्तारी के बाद से उनके समर्थन में बिहार के कई आईएएस अधिकारी भी उत्तर आए थे, लेकिन सरकार ने सभी कयासों पर विराम लगाते हुए आज उन्हें सस्पेंड कर दिया है। संसद के मानसून सत्र के तीसरे दिन बुधवार को राज्यसभा और लोकसभा में कांग्रेस ने ऊना में दलित नौजवानों पर हुए अत्याचार का मामला उठाया। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में गृह मंत्री ने बयान देते हुए घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इस घटना से बहुत आहत थे। राजनाथ ने कहा, इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। पीएम मोदी ने विदेश से लौटते ही मुझसे बात की थी और घटना की जानकारी ली थी, वह इससे बहुत आहत थे। राजनाथ सिंह ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद दलितों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं में कमी आई है। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में दलितों पर अधिक अत्याचार हुआ, हालांकि उनके ऐसा कहते ही सदन में विपक्ष का शोर बढ़ गया। आलम ये रहा कि गृह मंत्री को कई बार अपना बयान बीच में रोकना पड़ा। बुधवार को कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस ने राज्यसभा में गुजरात दलित अत्याचार का मुद्दा उठाया, जिसके बाद विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ हंगामा शुरू कर दिया। सदन की कार्रवाई अभी तक 3 बार स्थगित की जा चुकी है। कांग्रेस ने मुद्दे को लेकर नोटिस भी दिया था। राज्यसभा की कार्रवाई को शुरू होते ही पहले 10 मिनट के लिए और फिर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। 12 बजे जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, सदन में बीएसपी, टीएमसी और जेडीयू के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया, लिहाजा कार्रवाई 12:31 तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के सदस्यों ने सरकार पर दलित अत्याचार का आरोप मढ़ते हुए हंगामा करना चालू कर दिया। इसके पहले कांग्रेस की ओर से इस मामले पर चर्चा का प्रस्ताव किया था। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ऊना हिंसा में पीड़ित दलित परिवार से मिलने बुधवार को सामढियाला पहुंची। सीएम के साथ उनके मंत्रिमंडल के 2 मंत्री और चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद रहे। बता दें कि आनंदीबेन ने इस मामले में पहले ही सीआईडी जांच के आदेश दे दिए हैं। मामले में अब तक 16 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी गुरुवार को गुजरात का दौरा करने वाले हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी ऊना जाने का ऐलान किया है। इस तरह दलित समुदाय के नौजवानों के साथ हुए अत्याचार के मामले पर सूबे की सियासत तेज हो गई है। ऊना मामले के दलित सड़क पर उतर रहे हैं। कई नौजवानों ने खुदकुशी का ऐलान किया। गुजरात में 1 साल के भीतर ही दूसरे जातीय आंदोलन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ बुधवार को महिला से बदसलूकी के आरोप में FIR दर्ज हुआ है। दक्षिणी दिल्ली के साकेत पुलिस स्टेशन में भारती के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सोमनाथ भारती के खिलाफ शिकायत है कि उन्होंने जुलाई के शुरुआती दिनों में कुछ लोगों को एक महिला के साथ बदसलूकी करने के लिए उकसाया था। सोमनाथ पहले भी महिलाओं से बदसलूकी, अपनी पत्नी से मारपीट जैसे आरोपों में घिरे रहे हैं। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में, आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।